द्वार पर शत्रु राहु का पहरा लगा दूं नाथ। यदि आप कहें तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें पकड़कर यहां ले आऊं, तो बार बार इनके मुख से फिर अमर 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 कहलवा दूं नाथ। यदि आपकी आज्ञा हो तो अपने प्राणों का परित्याग करके कुमार लक्ष्मण को अभी जीवित कर दूं भगवान। पूर्वक कहता हूं आदेश नाथ का पाऊं मैं, आकाश चंद्र का मंथन कर अमृत तुरंत ले आऊं मैं, चारों वेदों को बंधी कर क्षण में सम्मुख ले आऊं मैं, गौ काल का वध करके जंजन का दुख बिसराऊं मैं। यदि आज्ञा हो राहु को सूरज के द्वार बिठाऊं मैं, तब तक न सुबह होगी भगवन जब तक न सुजीवन लाऊं मैं, ब्रह्मा शंकर और विष्णु को रघु प्रताप से लाऊं मैं, बार बार उनके मुख से फिर अमर अमर कहलवाऊं मैं, पातालपुरी में जाकर के सारे नागों को मारूं मैं, भ्रमरथ घट का पूर्ण पात जगह कभी ले आऊं मैं, लक्ष्मण के घट में हे स्वामी प्राणों को अपने डालूं मैं, तब जल पर आए संकट की यह दुख की दशा मिटा दूं मैं, जो कछु तब मन में रुचे सो प्रभु आयसुदेह नाथ शपथ क्षण में कहो प्रभु प्रताप बल सोए। हे स्वामी इसमें से जो कर सकते हैं आप ही हैं, जो जाकर संजीवनी ला सकते हैं आप ही हैं, जो कि भ्राता लक्ष्मण की जान बचा सकते हैं। प्रभु श्री राम, इसे आप लोग बड़े ध्यान से सुने। सूरज इतना ध्यान रहे संकट एक सूर वंश पर है, लंका के नीच राहु का आघात तुम्हारे वंश पर है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न दवा पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना सेवा के पहले यदि गिरना का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश के सूर्य सुनो मातंबर अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना यह सच्चे दिल से स्वीकारेंगे, आदुर की अर्थ अवस्था को करुणा के था क्षमा करना दंतारंजनी तनय से भरा है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुम जगत नाम द्वारा है, मुख में तुमको धर रखने का राज क्रूर साधन होगा, श्री लक्ष्मण का दुख मोचन कर सुख से